अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्तों। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही आपके दोस्त के चैनल सैमी यार को पूरे 1 साल हो गए। मतलब आज तो हमारी हैप्पी बर्थडे टू यू है दोनों। छो जब 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई मैं 1 साल क्या 1 महीने भी चला सकता हूँ, क्योंकि क्या बनाऊं कैसे बनाऊं कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने किया दुनिया का सबसे बेहतरीन काम, अल्लाह का नाम लिया और जो दिन में आया वो बनाया, और इसी तरह 1 साल गुजर गया। लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार है आप लोग का। आप लोग के सपोर्ट के बिना तो भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अबे करवा रहे हो दोस्त, कितनी दफा देखते वीडियो, मेरा तो हो जाता कबारा। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार को भाई मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है आप लोग मुझे इसी तरह प्यार करते रहेंगे, इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, इससे ज्यादा भी करेंगे तो मैं माइंड नहीं करूंगा। और हाँ, जो लोग नए हैं भाई वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और 1 साल हो गए मुझे इंस्टाग्राम का बोलते बोलते, अब वहाँ पे फॉलो कर भी लो भाई, वहाँ सन्नाटा भरा रहता है। और उम्मीद है इंशाल्लाह इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो बस इसी के साथ करते हैं सैमी नामा को स्टार्ट। आज पूरे 1 साल होने की खुशी में सबसे बड़ी न्यूज है शाही न्यूज। इंग्लैंड की मरका ने अपने खुद का कैचअप का ब्रांड लॉन्च कर दिया। ये कोई वायरस है बट ना फुल सही रेटी है भाई, अपनी लाइफ को ना सही तरह एंजॉय करना चाहती है। ये अपनी खुद की रेसिपी से तैयार करता है ये कैचअप और प्राउन सॉस को लॉन्च किया इन्होंने। इसकी कीमत दूसरे ब्रांड से बहुत ज्यादा है, लेकिन शाही कैचअप है भाई, हरके में दिया है क्या? फिर भी इसके पीछे लोग दीवाने हो गए, क्योंकि शाही कैचअप है भाई, हरके में दिया है क्या? अरग ही कर में इसके भरम होंगे बाकी कैचअप से, मेहमानों के सामने अरग भरम। अरे शाही जिंदगी गुजारेंगे कैचअप लेने के बाद, सैंडविच में तो ऐसे लगाएंगे कि भाई फुल एटीट्यूड। और इसके लिए तो मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं हुई। अबे जिस कैचअप की ब्रांड एम्बेसडर मरका होगी उसको क्या मार्केटिंग की जरूरत होगी? अब इधर कोई यूके से ये कैचअप लेके आ गया ना, तो या तो अलमारी के ऊपर होगा या फ्रिज के ऊपर, बच्चों की पहुंच से तो बहुत ही दूर होगा, या हो सकता है भाई एक दूसरे को शादी में गिफ्ट भी दे दें। एक आयरिश औरत अपने मियां से इतनी नाराज हुई कि ऑनलाइन वेबसाइट में उसको शेयर करने का भाई एड लगा दिया, वो भी नो रिटर्न पॉलिसी के साथ। ना ना हस्बैंड जालिम आदमी नहीं था, ना ना हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर भी नहीं था, अब ऐसा क्या मसला था? अब ये जवान लौंडा अपनी बीवी और अपने तो मासूम बच्चों को घर में छोड़ के अब पिकनिक करने चला गया। अब हटेगी नहीं क्या बीवी की? अब शुगर करो मारा नहीं उसको। बीवी की बात भी सही है भाई, पूरा दिन काम करती है तो शरारती बच्चों को संभालती भी है, उसके बाद वो डिजर्व करती है पिकनिक। तो बस नहीं देगी क्या? $25 शेयर पे लगा दिया हस्बैंड को, वो भी ऐसे नहीं फुल क्वालिटी बता के कि 6 फुट का है हमरा मियाँ, 37 साल उम्र है इसकी, शूटिंग और फिशिंग में बड़ा ही एक्सपर्ट है, लेना है तो चलती ले लो। वो तो करम हो वेबसाइट वालों का कि उन्होंने ये एड को बंद करवाया कि भाई बीबी आपकी नाराजगी होगी तो अपने घर में ही करो, हमारी वेबसाइट को ऐसा मत करो, ह्यूमन ट्रैफिक का केस रख के ना तो हमारे तो रहने के तेने हो जाएंगे। उम्मीद है अब सेटल हो गया होगा भाई, वो लेके चला गया होगा उसको पिकनिक पे, मजा तो जब आता भाई। कोई तफरी में इसके हस्बैंड को परचेज कर लेता फिर क्या करती ये, वो तो एक अलग ही सीन होता। क्या आप हॉरर मूवीज के बहुत बड़े शौकीन हैं? सुबह शाम दिन रात यही देखना पसंद करते हैं? तो दोस्तों ये रेस्टोरेंट आप ही के लिए बनाया गया है, चाहो एंजॉय करो मजे करो। सऊदीया के शहर रियाद में ओपन हुआ है एक हॉरर थीम वाला रेस्टोरेंट, जहाँ पे खाने के साथ साथ मिलेंगे ज़ॉम्बीज। इमेजिन करो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और मंगाया है आपने कुछ खास, और वो आइटम जैसे ही आया आपके मुंह में पानी आया, और जैसे ही आप उसको खाने वाले हो तो सामने से आ जाए ज़ॉम्बी चुड़ैलों की भूतनिया, सब आपके फेस के पास आए और आपको बोले तो कैसा लगेगा आपको? मजा तो बहुत आएगा। तो बस ऐसा ही होता है उस रेस्टोरेंट के अंदर, कुछ भी मंगाओ आपके साथ यही होगा, ज़ॉम्बी इधर उधर घूमते रहते हैं जैसे वेटर घूम रहे। ये बनाया तो हॉरर टाइप का था, लेकिन लोग तो भाई वहाँ जाके ऐसा मस्त हो गए, डर घम रहे हैं, सेल्फी साथ बना रहे हैं। बस शुगर ये है कि ये ज़ॉम्बीज जो होते हैं ये सिर्फ फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। अबे वरना रेस्टोरेंट पे कोई ज़ॉम्बी आ जाए तो जो बंदा डिनर करने गया है वो खुद ही डिनर बन जाएगा वहाँ पे। अब ये जो न्यूज है ना ये अपने पाकिस्तान की है और ये थोड़ी सी पुरानी हो गई, लेकिन मैं तो शामिल करूंगा भाई। PIA की एक फ्लाइट आ रही थी रियाद से इस्लामाबाद के लिए, और लोग फुल मस्त होके बैठे हुए हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे, कोई एयर होस्टेस को देख रहा है, कोई जूस पी रहा है। इसी दौरान हुआ मौसम खराब और सब रुके तमाम में, यहाँ तक तो सब सही था, आगे हुआ सब हंगामा। जब मौसम सही हुआ तो तमाम से इस्लामाबाद जाने के लिए पायलट ने मना कर दिया। अबे क्योंकि उसकी जॉब का टाइम खत्म हो गया, 9 to 5 बना दी उसने पायलट की भी जॉब, हो सकता है उसको ओवर टाइम नहीं मिलता हो, एक्स्ट्रा
स्टॉप करने का। खैर वहाँ पे जो पैसेंजर थे उन्होंने भी हंगामा कर दिया कि ये क्या मसला है, हमेशा हमारे साथ ऐसे ही क्यों होता है यहाँ पे, मतलब महीने या 2 महीने में अगर हमारी फ्लाइट की ऐसी कोई न्यूज ना आए ना तो अजीब सा फील होता है। अब जो भी फ्लाइट भेजो उससे पहले भाई पायलट की टाइमिंग देख रहे ना कब खत्म होने वाली है। अब समंदर के बीच में उसकी जॉब की टाइमिंग खत्म हो गई तो क्या करेगा वो, कि हम तो डूबे रे सनम तुम्हें भी रे डूबेंगे। भाई अमेरिका में न्यू जर्सी में पुलिस ने एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। भाई हुआ ये कि उसने एक स्टोर को लूटा, फिर एक दो दिन बाद वापस उसी को लूटने चला गया। अबे यहाँ 3 दिन नहीं रुका उसका भाई, अबे 6 दिन में 3 दफा लूट लिया उसने उसी स्टोर को। अबे कोई खानदानी दुश्मनी थी स्टोर वाले से? अब स्टोर वाला भी भाई 1 दफा लूटेगा, 2 दफा लूटेगा, 3 दफा लूटेगा, उसकी भी हट जाएगी। उसने भी पुलिस से कम्प्लेन कर दी कि भाई कोई जमुना आता है मेरा स्टोर लूट के चला जाता है। और मजे की बात कि भाई वो 4th दफा भी पहुंच गया, लेकिन इस दफा तो वहाँ पुलिस थी, उसने उसको करा गिरफ्तार। अबे उस स्टोर में ऐसा क्या था भाई जो बार बार जा रहा था? अबे क्या बहुत अच्छी किटकैट मिलती थी उनके पास? खैर अब जब ताकू को एक ही दिन में 4 दफा पुलिस वाले कूटने आएंगे ना चेयर के अंदर, जब उसको समझ में आएगा कितना अहमक है वो। दोस्तों जब से ये वायरस हमारी जिंदगी में आया है तो अपने साथ हमारी जिंदगी में मास्क को भी लेके आया है। अब बाल निकलने से पहले हमारे पास कुछ हो या ना हो मास्क तो होता ही है। अब मास्क भाई दोस्तों बड़ी अजीब अजीब तरह के फैशन के भी आने लग गए हैं। इसी तरह का साउथ कोरिया में एक मास्क इंट्रोड्यूस हुआ है जो सिर्फ नाक तक का है। ये देखो ऐसा, मतलब ये हजम नहीं हो रहा भाई मुझे। मास्क का बेसिकली मतलब ये था कि भाई हम अपनी नाक और अपने मुंह को ये अजाब वायरस से बचाएं। ये मास्क हम ऐसा लग रहा है किसी ने नाक पे मुक्का मार दिया उसके बाद मरहम पट्टी करवा के आए। मैं मानता हूँ रेस्टोरेंट में मास्क के साथ खाना खाने में बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा ही मसला होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं लगाऊंगा। अबे ऐसा लग रहा है निंजा रेडर का मास्क लूज हो गया उसकी नाक पे आ गया है। मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी से वायरस खत्म हो ताकि लोगों के अंदर उनकी अकल वापिस आए, घर में बैठ बैठ के कैसे कैसे फैशन करने रखा है। स्वीडन में जॉब ही जॉब है भाई, अबे इतनी जॉब है कि इंसान क्या कौवे तक को जॉब मिल रही है वहाँ पे। जी हाँ स्वीडन की एक कंपनी ने कौवे को ट्रेन किया है ये कचरा उठाने के लिए, क्योंकि इंसान तो अब सिर्फ कचरा करने रखे हैं, उठाने का काम किया अब परिंदों के पास आ गया ये काम। मुझे तो बचपन से ही ये कौवे बहुत चालाक और होशियार परिंदे रखते हैं, इसी वजह से ये आराम से ट्रेन भी हो गए होंगे। और ये तो आप लोग को बताइए भाई कौवे बदला लेने में ना भाई बहुत चैंपियन होते हैं, नाकन की तरह दुश्मन को अपनी आंखों में पसार रहे थे ये लोग। निकलना मुश्किल कर देते हैं घर से कौवे, इतनी चोंच मारते हैं सरों पे, तो ये काम एकदम परफेक्ट है इनके लिए, क्योंकि कोई भी बंदा अगर सिगरेट पिएगा या कचरा करेगा तो वो कौवे के रिटायर जोन में आ जाएगा। उसके बाद कौवे भाई उसको जब तक चोंच मारेंगे जब तक वो कचरा 10 मिनट में ताड़ना नहीं सीख लेगा। बड़ा ही दिमाग लगाया भाई स्वीडन वालों ने, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रिक इधर काम नहीं करेगी क्योंकि इधर रोग नहीं सुधरने वाले भाई, बल्कि कौवे को पैसे गिरा के ना उसको भी करप्ट कर देंगे। तो बस कौवे की कह के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना, और मैं भी चलता हूँ 1 साल की खुशी बनाने। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।